हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए कुणाल राउत के नगरागमन पर शहर में एक भव्य स्वागत रैली निकाली गई। रविवार शाम 4 बजे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके पश्चात उनकी विजयी स्वागत रैली ढोल की ताप फूलों की वर्षा के साथ हवाई अड्डे से संविधान चौक तक कार और बाइक रैली के साथ निकाली गई। रैली के प्रारंभ से पहले एयरपोर्ट पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर कुणाल राउत ने माल्यार्पण कर अभिवादन किया। इसके पश्चात एक शानदार कार व बाइक रैली निकाली गई। यह विजय रैली जब अजनी चौक पर पहुंची तो कुणाल राउत ने अजनी चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अभिवादन किया और वैरायटी चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कुणाल राउत के चयन की घोषणा होते ही पूरे राज्य में युवा कांग्रेस में खुशी का माहौल है। महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस NSUI, नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस सेवा दल, संकल्प सेवाभावी सामाजिक संगठन और अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने उनके स्वागत की तैयारी की थी। मशहूर हरफन मौला गायिका देसी गर्ल सुनिधि चौहान ने अपने डांस और गाने गाकर शहर के युवाओं को दीवाना बना दिया। खासदार सांस्कृतिक महोत्सव में नर्तकियों ने भी खूब शिरकत की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा आयोजित खासदार सांस्कृतिक महोत्सव के दूसरे भाग का शनिवार को ईश्वर देशमुख कॉलेज ग्राउंड में उद्घाटन किया गया। महोत्सव के दूसरे दिन रविवार को जानी मानी गायिका सुनिधि चौहान के गायन से नागपुरवासी खुशी के मारे झूम उठे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। कमली कमली गीत से सुनिधि ने धमाकेदार एंट्री की। सुनिधि चौहान ने कहा कि मैं भारत में पहला लाइव शो 2 साल बाद नागपुर में कर रही हूँ, इसलिए आज नागपुर में गाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सुनिधि ने एक के बाद एक धमाकेदार परफॉर्मेंस दी। क्यों न हम तो प्यार की एक कहानी सुनो, मिल गई आज आसमां से एक मैं और एक तू, जागे रे मन कही मैनू इश्क तेरा ले डूबा, मेरी बाहों में दुनिया बुला दे, ऐसे कई गीतों पर युवा थिरकते नजर आए। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा परिसर गूंज उठा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उपस्थित थे। रविवार को अपने नगरागमन पर आयोजित भव्य सभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल राउत ने कहा कि आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के माध्यम से 50% सीटों पर युवा उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यूथ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करने का संकल्प भी लिया। उन्होंने कहा कि हम चुनाव में युवा कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलाने के लिए 50% सीटों पर युवा उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस द्वारा लोगों की मदद के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। युवा कांग्रेस संगठन को और मजबूत करने के लिए गांव में शाखाएं खोली जाएगी। हम इन शाखाओं के माध्यम से महाराष्ट्र के हर बूथ तक पहुंचने का इरादा रखते हैं। अब युवाओं को अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है। उन्होंने युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी शुरू करने की अपील की। राउत ने विश्वास व्यक्त किया कि अब हम सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सक्षम नेतृत्व में लड़ना चाहते हैं। रैली में अजीत सिंह, अभिजीत मेश्राम, निखिल सहारे, सुहास नारनौरे समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर द्वारा आयोजित 28वें ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला एवं लोक नृत्य समारोह में रविवार के कार्यक्रम का प्रारंभ सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय के मराठवाड़ा संभाग के निदेशक हेमराज बागुल, पद्मश्री अर्जुन सिंह ध्रुवे, निवृत्त अतिरिक्त आयुक्त ढिमरे, नागपुर विभाग के सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी अनिल गड़ेकर एवं दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर की उपनिदेशक गौरी मराठे द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। अंतिम दिवस पर भी मेले में दर्शकों का भारी जमावड़ा लग रहा। भीड़ का नजारा देखते ही बनता था। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी केंद्र की ओर से हस्तशिल्पकारों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार निम्नलिखित हस्तशिल्पकारों को प्रदान किए गए। 25,500 रुपये का प्रथम पुरस्कार जरी हैंडलूम राजस्थान के विशाल कुमार टाक एवं ड्राई फ्लावर स्क्राप पश्चिम बंगाल के अनूप भौमिक को प्रदान किया गया। 15,500 रुपये का द्वितीय पुरस्कार लेदर पपेट KK श्रीनिवासुलु एवं पेच एंड हैंडवर्क दिल्ली के रवि थाड़किया को प्रदान किया गया। 10,500 रुपये का तृतीय पुरस्कार बाम्बू एवं तुम्बा आर्ट वर्धा के सुशील विश्वनाथ गजभिये एवं हैंड एम्ब्रॉयडरी नागपुर की शरिया टालाटूले को प्रदान किया गया। सुशीला नगर सिंधी पंचायत की ओर से सामूहिक रूप से होलिका माता की पूजा अर्चना की गई। होलिका दहन का आयोजन विधि विधान से एवं भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार किया गया। क्षेत्र के नागरिक परिवार सहित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। पंचायत द्वारा आयोजित होलिका दहन पर्व पर प्रसाद वितरित किया गया।
तथा सुशीला नगर सिंधी पंचायत के सदस्यों द्वारा घर घर जाकर मिठाई व गुलाल बांटी गई। इस अवसर पर सुशीला नगर पंचायत के अध्यक्ष हितेश चंदवानी, सचिव मनोज अंगनानी, सहसचिव राजेश बुधवानी, कोषाध्यक्ष प्रकाश कियानी, अर्जुन जग्यासी, दिनेश कियानी, सुनील मोटवानी, संजय फुलवानी, पंकज अंगनानी, नीरज गंगवानी, राहुल नैनानी, दीपक होटलानी, राजेश धर्मानी, राजेश आहूजा, मनोज जोशी, रोशन रामचंदानी, महेश उत्तमानी, सनी पंजवानी, बंटी कुकरेजा, दीपक मीरानी, हरीश अंगनानी, हरीश चंदवानी, पवन मीरानी आदि सदस्य उपस्थित थे। श्री राधाकृष्ण भक्त परिवार की ओर से जरूरतमंद लोगों में समय समय अन्न वितरण किया जाता रहा है। उसी कड़ी में हाल ही में संस्था के पदाधिकारियों द्वारा अनाज एवं खाद्य पदार्थों की किट गरीब एवं जरूरतमंद लोगों में वितरित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ महामंत्र से हुआ। संस्था के पदाधिकारी अशोक छत्तानी की प्रमुख उपस्थिति रही। हाल ही में सिंधू झूलेलाल वेलफेयर सोसाइटी गांधी सागर झूलेलाल मंदिर परिसर में जल के प्रतीक वरुण देवता एवं सिंधी समाज के इष्ट देव झूलेलाल की जयंती भव्य रूप से मनाने के कार्यकर्ताओं की रूपरेखा तय करने हेतु नगर के संस्थाओं, मंदिर से जुड़ी पंचायतों, समितियों, सुधीजनों की बैठक का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता संस्था अध्यक्ष रमेश जेसवानी ने की। इस अवसर पर प्रमुख उपस्थिति साई मोहनदास ठाकुर की रही। सबसे पहले झूलेलाल जी की मूर्ति को माला पहनाकर एवं संस्था के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय मनोहर मंगलानी, संतोष आडवाणी, खूबचंद उत्तम चंदानी, समाज के वरिष्ठ संस्थापक सदस्यों को श्रद्धांजलि देकर सभा की शुरुआत की गई। नागविदर्भ सेंट्रल पंचायत के सुरेश जग्यासी, सिंधी सोशल फोरम के अशोक माखीजानी, पूज्य क्वेटा कॉलोनी पंचायत से राजेश मुनियार, पूज्य सखर पंचायत से बलराम काकवानी, मनोहर आहूजा, शांतिनगर युवा मंच के सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार तथा सुझाव रखे। संस्था के सतीश मीरानी के अनुसार कोरोना की महामारी के बाद केंद्र और राज्य सरकार की ओर से वैक्सीन और बूस्टर डोज लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम को मद्देनजर रखते हुए संस्था द्वारा 2 अप्रैल को सुबह 11 बजे से निःशुल्क बूस्टर डोज दिया जाएगा। व्यंगधारा की 97वीं ऑनलाइन व्यंग विमर्श में व्यंग में सरोकारों का अंतर्द्वंद विषय पर विचार विमर्श में वरिष्ठ व्यंगकार राजेंद्र वर्मा ने कहा कि व्यंग में आज प्रतिबद्धता का संकट है। तमाम व्यंगकार यह तय करें कि वे किसके साथ खड़े हैं। कथनी और करनी में सामंजस्य नहीं तो सरोकारों का अंतर्द्वंद होगा। व्यंगकार की चेतना का भी सवाल है कि क्या वह सरोकारी है। अन्य अतिथि वक्ताओं में व्यंगकार दुर्ग से विनोद साव, मेरठ से निर्मल गुप्ता एवं नोएडा से कमलेश पांडे उपस्थित थे। वरिष्ठ व्यंगकार विनोद साव ने कहा कि आम आदमी के पक्ष में वर्चस्वशाली समाज से मुठभेड़ किए बगैर व्यंग लेखन मुश्किल है। व्यंग लेखन लिखने के लिए लेखक की ईमानदारी आवश्यक है। नोएडा से व्यंगकार कमलेश पांडे ने कहा कि सच्चे सरोकारों के बगैर व्यंग नहीं लिखा जा सकता। मेरठ से व्यंगकार निर्मल गुप्ता ने कहा कि अंतर्द्वंद बेहतर मनुष्य बनाता है। मानवता के विरोध में खड़ा व्यक्ति लेखक नहीं हो सकता। आज के जमाने में हम सेल्फ असेसमेंट करते हुए चलते हैं। जबलपुर से वरिष्ठ व्यंगकार रमेश सैनी ने कहा कि व्यंग का काम आवाज को उठाना होता है, परिवर्तन लाने का काम व्यंगकार का नहीं होता है। संत बाबा खटवारे साहेब दरबार मेकोसा में मूर्छित साई गोपाल दास साहेब बाबा गुरुदासराम साहेब के पुण्य सिमरन में वार्षिक मेले का आयोजन शनिवार 2 अप्रैल से किए जाने की जानकारी संत दादा फकीरा ने दी। संत फकीरा के अनुसार 7 अप्रैल तक चलने वाले इस धार्मिक महामेले के दौरान देश के विभिन्न शहरों से संत, दरवेश व भक्तगण शिरकत करेंगे। मुंबई के साई दुरुराम साहेब, उज्जैन के संत हरिराम साहेब, जलगांव सेवा मंडली के हरदास राम, सिरसागंज के साई बलराम, नागपुर के साई दिलीप कुमार, साई केशव दास, साई चांदूराम, साई खिल्लूराम, दरबार के संतगण, शिवधारा आश्रम, अमरावती के डॉक्टर संतोष बजाज, आदिपुर के मीरा भगत नरेश कुमार, पुणे के स्वामी ज्ञान दीपक, गोंदिया के सतरामदास बालक मंडली, कल्याण के जयवेंद्र शर्मा, चित्तौड़गढ़ के विजय मोहन शास्त्री, नागपुर की मंजूश्री आसुदानी संत जीवनी पर प्रकाश डालते हुए महिमा का भजनों, सत्संग, प्रवचनों से गुणगान करेंगे। लंगर प्रसाद के वितरण का सिलसिला भी जारी रहेगा। वार्षिक मेले के समापन दिन सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पल्लव साहिब डाला जाएगा। संत दादा फकीरा ने इन सभी धार्मिक कार्यक्रमों का लाभ लेने की प्रार्थना समस्त भक्तों से की है। राज्य सरकार की ओर से कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके का पर्याप्त स्टॉक प्राप्त होने के कारण 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर आज शाम 4 बजे तक टीकाकरण होने वाला है। इस आयु वर्ग के नागरिकों को कोविशील्ड टीका निःशुल्क दिया जाएगा। मनपा की ओर से बड़े पैमाने पर नागरिकों को टीका लगवाने का आह्वान किया जा रहा है।
पहला डोज, दूसरा डोज और इसी तरह पात्र नागरिकों के लिए बूस्टर डोज लेने के लिए टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी तरह 15 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन टीके का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो चुका है। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण किया जा सकता है। यह जानकारी मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। इसी तरह ग्लोबल मॉल बर्डी में ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक किया जाएगा। यह जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बहिरवार ने दी है। जीएच रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर में स्थापत्य अभियांत्रिकी विभाग में कार्यरत सहायक प्राध्यापक मंगेश भोरकर को राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ की ओर से हाल ही में पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनकी रिसर्च का विषय स्टडी ऑफ मॉडिफाइड ट्यूब सेटलर्स इन द प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट था। इसके लिए उन्होंने अपने गाइड डॉक्टर प्रशांत नागर नायक, डॉक्टर महसालकर का आभार माना। साथ ही कॉलेज के संचालक डॉक्टर सचिन उंटवाले के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की। कवि साहित्यकार डॉक्टर सागर खादीवाला की अध्यक्षता और डॉक्टर तेजिंदर सिंह रावल के मुख्य आतिथ्य में नगर की सुप्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर श्रद्धा वाशिमकर की तीसरी कृति जज्बाते मोहब्बत का लोकार्पण विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन के उत्कर्ष सभागृह में संपन्न हुआ। संगीता थोरात ने विशेष अतिथि के रूप में मौजूद होकर पुस्तक की समीक्षा की। सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील वाशिमकर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का सफल संचालन सुप्रसिद्ध कवि अविनाश बागड़े ने किया। व्यंग्यकार अनिल मालोकर ने मान्यवरों का आभार माना। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु लॉ कॉलेज की प्राचार्य प्रवीणा खोबरागड़े, नीलेश खोबरागड़े, डॉक्टर सुमिता कोनबत्तुनवार, वरिष्ठ संपादक कृष्णा नागपाल, संपादक नीरज श्रीवास्तव, डॉक्टर विशाखा बागड़े, डॉक्टर अनिल जवाहिरानी, प्रमिला वाशिमकर, अंजलि बंबोले, रूबी दास, पूनम मिश्रा, सुप्रसिद्ध साहित्यकार इंदिरा किसले, पूर्व डीएसपी अनंत थोरात, प्रकाश कामले, राहुल व सुजाता वाशिमकर, भूषण बागड़े, व्यंगकार टीकाराम साहू, रामकृष्ण सहस्त्रबुद्धे, संपादक राजेश स्वामनानी व कामले दंपति ने प्रयास किए। शक्कर उद्योग के लिए ये साल अच्छा रहा है। इस वर्ष शक्कर का निर्यात भी काफी ज्यादा हुआ है। ब्राजील में सूखे के कारण इस साल शक्कर के दिन अच्छे रहे, लेकिन हमेशा ऐसा ही नहीं होता है। इसके लिए तमाम शक्कर के मिल केवल शक्कर ही नहीं बल्कि एथेनॉल का भी बड़े पैमाने पर तेजी से उत्पादन करें, अन्यथा हमारे पास पेट्रोलियम उत्पादों का कोई विकल्प नहीं बचेगा। इस आशय के विचार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शक्कर मंडी द्वारा आयोजित शक्कर और इथेनॉल पर एक परिषद में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि देश को 8 लाख करोड़ रुपए के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करना पड़ता है। यदि जैव स्वदेशी ईंधन की खपत में वृद्धि नहीं हुई तो इस आयात का आंकड़ा भविष्य में 25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, साथ ही प्रदूषण भी बढ़ेगा। अतः इससे बचने के लिए आपको इथेनॉल के रूप में वैकल्पिक ईंधन को स्वीकार करना होगा। गडकरी ने कहा कि प्रदूषण हमारे सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के प्रमुख कारणों में से एक है। यदि वाहनों में संबंधित इंजन या उपकरण हो तो हम एथेनॉल का उपयोग कर सकते हैं। जीएच रायसोनी कॉलेज ऑफ कॉमर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी नागपुर द्वारा हाल ही में इनकार्टा आईटी सेल के अधिस्थापना समारोह का आयोजन किया गया। बैच वितरण समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर टैप्स केयर प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर के डेटा विशेषज्ञ पराग हिरुलकर को आमंत्रित किया गया था। रायसोनी बिजनेस स्कूल की निदेशिका डॉक्टर आरती देशपांडे तथा GHRCC ST की प्राचार्य डॉक्टर जसविंदर कौर इस अवसर पर प्रमुखता से उपस्थित थी। प्रोफेसर माधुरी बरुआ अधिष्ठाता ने विद्यार्थियों को संबोधित किया तथा अध्यक्ष प्रज्ञान श्रीवास्तव तथा उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह को दिए गए कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए बधाई दी। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रोफेसर विशाल धबालिया तथा डॉक्टर अश्विन अंकर द्वारा किया गया। जरीपटका स्थित स्वामी धर्मदास दरबार में आयोजित नाग विदर्भ सेंट्रल सिंधी पंचायत द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले संवत 2079 अर्थात वर्ष 2022-23 के पंचांग की तिथि निर्धारण सभा आयोजित की गई। उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम में हर बार सिंधी समाज के संत मंडल और सारस्वत सिंध ब्राह्मण मंडल की ओर से भी पूरा सहयोग दिया जाता है। सभी विद्वानों ने ज्योतिषीय गणना कर पंचांग को अंतिम रूप दिया। सभा में संत वसंत शाह दरबार के साई केशव दास, झूलेलाल मंदिर के महंत मोहनदास ठाकुर, संत दामोदर दास, नाग विदर्भ सेंट्रल सिंधी पंचायत के अध्यक्ष सुरेश जग्यासी, ब्राह्मण मंडल के अध्यक्ष ताराचंद पुरोहित, मार्गदर्शक पंडित दयाल शर्मा, हर भगवान नागपाल, पंडित राजू शर्मा, पंडित मुरलीधर शर्मा, सुनील महाराज, चुन्नीलाल चेलानी, सच्चानंद हिरानी, पंडित महेश कुमार शर्मा, बंटी दुधानी, किशोर धिंगरा, राजू सावलानी, लक्ष्मण थावानी, हरीश महाराज, पंडित प्रकाश शर्मा, पंडित दीपक शर्मा, दादी सुशीला देवी, तुलसीदास खुशालानी, पीडी केवला रमानी, श्यामनदास तुलसवानी,
मुरजमल अडवाणी, एडवोकेट पूरन ममतानी, किशोर फुलवानी, भावेश फुलवानी, प्रकाश चेलानी, अनिल कुकरेजा, कन्हैयालाल ठकवानी, भारत वासवानी आदि उपस्थित थे। श्री दिगंबर जैन युवक मंडल सैतवाल एवं महिला शाखा द्वारा आयोजित होली मिलन का समारोह रघुजी नगर स्थित किशोर महात्मे के निवास स्थान पर संपन्न हुआ। इस समारोह में कवि आदेश बरैया जैन, मनोज बंड, पंडित रमेश उबाले, रजत पडोले, प्रकाश भुसारी, राजेश जैन, राजेंद्र जैन ने हास्य व्यंग प्रस्तुत कर श्रोताओं का खूब मनोरंजन किया। हास्य कवि आदेश बरैया जैन की सुंदर प्रस्तुति से श्रोता लोटपोट हो गए। कवित्री संध्या काले ने भी होली पर सुंदर कविताएं प्रस्तुत की। शायरी प्रकाश भुसारी ने प्रस्तुत किया। मनीषा नखाते एवं सुरभि उबाले ने भी गीत प्रस्तुत किए। सभी प्रमुख अतिथियों का स्वागत और सत्कार मंडल के अध्यक्ष विनायक सावलकर, सदस्य एडवोकेट विकास श्रावणे, संतोष सावलकर, श्रीकांत धोपाड़े, प्रमोद भागवतकर, किशोर महात्मे, किरण मसालकर, राजेश जैन, नितिन रोहणे ने किया। युवक मंडल के कार्यवाह प्रशांत भुसारी द्वारा होली का महत्व एवं मंडल के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन मनोज बंड और आभार प्रदर्शन श्रीकांत धोपाड़े द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर नरेंद्र भुसारी, संजय नखाते, दिनेश सावलकर, प्रशांत मानेकर, प्रशांत भुसारी, गौरव शाहकार, शरद मचाले, उमेश फुलंबरकर, नरेश मचाले, प्रदीप सवाने, प्रकाश भुसारी, राजू गडेकर, नितिन रोहणे एवं जैन समाज के सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। तुलसीनगर गार्डन में असामाजिक तत्वों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता देख शहर कांग्रेस कमेटी के सचिव अनमोल राजू व्यास के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा शांतिनगर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया एवं उससे निवेदन किया गया कि पुलिस की ओर से गश्त बढ़ाई जाए तथा अतिशीघ्र असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर कामगार सेल के सचिव योगेश पुरोहित, तुलसीनगर गार्डन के गार्ड अब्दुल हमीद अंसारी, मयूर धोड़के आदि उपस्थित थे। जेसीआई नागपुर मेट्रो की ओर से स्लम क्षेत्र शिवनगर गजानन धाम खामला में रहने वाले किशोर देवीदास दोरखंडे को सम्मानित किया गया। दरअसल विपरीत हालातों में भी ICW में नियुक्त होने एवं वहां उत्तीर्ण कार्य करने में वे सफल हुए। संस्था की ओर से छात्रों से आह्वान किया गया कि वे दोरखंडे की सफलता से प्रेरणा लें। किशोर एक झुग्गी बस्ती में रहते थे एवं उनके पिता एक रिक्शा चालक थे। उन्होंने खुद एक पेपर बॉय के रूप में काम किया लेकिन अंत में कड़ी मेहनत के बल पर उन्हें ICW में सफलता मिली। इस अवसर पर बड़ी संख्या में JCI के सदस्यगण उपस्थित थे। धारस्कर रोड इतवारी स्थित द्वारकाधीश मंदिर में श्रद्धालुओं ने अनोखे तरीके से होली खेली। भक्ति व होली के गीतों के बीच बसंत बागड़ी एवं उनके साथी परिजनों ने एक दूसरे के साथ फूलों से चंग संग रंग होली खेली। इसके पहले 3 बजे ट्रस्टी बोर्ड एवं उत्सव समिति की बैठक पुरुषोत्तम मालुक की अध्यक्षता में हुई। आगामी 6 व 7 अप्रैल को होने वाले उत्सव हेतु आयोजन समिति की नियुक्ति की गई तथा आय और व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात भक्तों में प्रसाद और लंगर का वितरण किया गया। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया नागपुर महिला चैप्टर की ओर से होली मिलन कार्यक्रम हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत इष्टदेव झूलेलाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। लक्ष्मी वाधवानी, सोनल लालवानी, रेशमा रोहरा, वरिष्ठ सदस्य मधु गोपवानी, ज्योति मीरपुरी, सुनीता मीरपुरी ने दीप प्रज्वलन किया। संस्था अध्यक्ष जया खत्री ने अपने संबोधन में सिंधी भाषा के प्रचार प्रसार में सहभागी होने का आह्वान किया। पूर्व अध्यक्ष शोभा भाग्य ने भी अपने विचार व्यक्त किए। भारती आसुदानी ने भजन प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। सभी ने मिलकर विभिन्न खेलों का आनंद लिया व सिंधी भाषा के बढ़ावे के लिए संकल्प लिया। सभी ने होलिका माता का पूजन कर अरदास की। मंच संचालन लीना रुगवानी ने किया। इस अवसर पर रश्मि कौरानी, रीटा जेसवानी, रश्मि हरिरामानी, प्रतिभा आसुदानी, निशा मेठवानी, स्वाति रूपचंदानी, कोमल तनेजा, जूही, भारती जेसवानी, ज्योति मोटवानी, निशिता गोपलानी, प्रियंका पंजवानी, जानवी, आभा, मीना, किरण ममतानी सहित अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए VKB न्यूज़। नमस्कार।